हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुबह से हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जिलों में 78 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ग्राउंड जीरो से पटना विधानसभा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी सीधे जुड़ गए। ओवर टू यू सुमित। शुक्रिया विकास। ये बहुत बड़ी कवरेज बिहार विधानसभा परिषद से लगातार आप देखते आ रहे हैं। आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 15 जिलों की 78 सीटें हैं बिहार की और ये तय कर देंगी कि इस बार क्या होने जा रहा है। बदलाव की बयार है या फिर एक बार फिर विकास के नाम पर और तरक्की के नाम पर वोट पड़ रहा है। किस तरफ मतों का रुझान है, किस तरफ वोटरों का रुझान है, वो दिन भर हम आप वोटर के जरिए वोटिंग के जरिए आपको दिखाएंगे। और एक बार फिर याद दिला दूं कि शाम को 5 बजे से सी वोटर और एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल भी यहीं से आप लाइव देखेंगे पटना से मेरे साथ और मेरे तमाम सहयोगियों के साथ। इस वक्त जब हम यहां बैठे हुए हैं पटना विधानसभा परिसर में, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दूं, मेरे दाहिनी ओर मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे बाई ओर कन्हैया बिलारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इन मेहमानों के साथ हम खास बातचीत करते रहेंगे, पटना के और बिहार विधानसभा की नई तस्वीर के बारे में जानते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट भी जरूरी है, जमीनी हकीकत भी जानना जरूरी है कि आज जिन 78 जगहों पर जहां मतदान हो रहा है, जिन सीटों पर, वहां पर क्या स्थिति है। ज्यादातर इलाका सीमांचल के नाम से जाना जाता है। ये वो इलाका है जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता है, जहां पर बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है और इसीलिए इस खासकर इस फेज को माना जा रहा है कि ये आरजेडी के लिए करो या मरो वाला फेज है। इस फेज में अगर वोटिंग अच्छी होती है मोतिहारी में, अररिया में, सुपौल में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, सहरसा में, पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार में, ये वो जगह हैं, ये वो जिले हैं जिन जगहों पर आज के मतदान से तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार को चुनौती देने में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कितने कामयाब हुए हैं। एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और यहीं से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। और ये बात, मेरा सवाल आपसे मणिकांत जी, जिस लिए जाना जाता है ये इलाका, वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। 4 जिले तो खास तौर पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये जिले तो मुस्लिम आबादी के बहुल इलाके हैं, ये आरजेडी का गढ़ होना चाहिए। पर आज की तारीख में वहां पप्पू यादव भी लड़ रहे हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं ये आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, आरजेडी के मशहूर वोट बैंक जिसकी चर्चा बराबर होती है जब भी बिहार के चुनाव की बातें होती हैं, ये जो है MY समीकरण, ये मुस्लिम यादव का जो मत का जो आधार है आरजेडी का, या कहिए अब महागठबंधन का, तो उसके लिए ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं सीमांचल के, वो 4 जिले हैं जहां पर 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और इन तमाम 24 सीटों पर ओवैसी जी की पार्टी ने या उनके गठबंधन ने, जो उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी जी और BSP ये सब मिलके वो उन्होंने गठबंधन बनाया है, वो पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं, इस कोशिश में हैं कि किसी तरह उस वोट बैंक में सेंध मारे और कैसे वो कमजोर किया जाए। और ये खुल के बातें आई, विरोध में भी तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि ओवैसी किसका नुकसान करने आया है। तो ये तो बातें हैं, तो अगर वहां ऐसा नहीं टूटता है, अगर वो सचमुच में वो आधार कायम रह जाता है, तो इससे महागठबंधन को बहुत फायदा होगा। बाकी जो जिले हैं, जैसे बगल में कोसी अंचल है, कोसी अंचल में जो 13 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां भी जो बड़ी आबादी है उन लोगों की, यादवों की भी, और उन लोगों की जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो बाहर से आके परेशान हाल में यहां हैं, अब उनके बीच भी बहुत गुस्सा है। फिर मिथिलांचल की जो 10 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो ये जो तमाम इलाके हैं, अगर यहां महागठबंधन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जो शाम तक दिख जाएगा, तो तब लगता है कि इससे ये जो टक्कर हो रही है, कहीं कहीं कहा जा रहा है कि बराबरी की टक्कर है, इसको इस तरीके से भी तो कन्हैया जी देखा जा सकता है, जो कि तेजस्वी के विरोधी लोग देख रहे हैं। जो बात मैंने पूछी मणिकांत जी से कि क्योंकि तेजस्वी के सामने उनके चुनौती देने वाले अपने ही लोग हैं, जैसे पप्पू यादव हैं इस इलाके में, जो इस इलाके को रॉबिनहुड माने जाते हैं, जिन्होंने भी बाढ़ के वक्त में काफी काम किया, ये नुकसान पहुंचाएंगे यादव वोट बैंक में सेंध मारकर। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी उसका नुकसान भी तेजस्वी को और महागठबंधन को होगा। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी इसको अपना प्लस पॉइंट के तौर पर देखती है।
देखिए, सीमांचल के इलाके में पोलराइजेशन की स्थिति बहुत बड़ी रहती है जी, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता जो हैं वो भाषण दिए तो उन्होंने क्या कहा, जनसंख्या नियंत्रण आपने सुना होगा, बिल्कुल, इसके बाद घुसपैठिए पर कार्रवाई होगी, उसके काट में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई यहां से भागने, तो उस इलाके में जब भी चुनाव होता है और पोलराइजेशन अगर हो जाएगा तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी जेडीयू और भाजपा की जीत हो सकती है, क्योंकि अभी भी एक किशनगंज अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन में हिंदुओं की ही संख्या ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अभी तक, मैंने जी वो छोड़ दिया जाए जी। इस बार भी मुझे जो लगा, चूंकि मैं इस एरिया में दो तीन दिन रह करके आया हूँ, कि हो नहीं रहा है, इस बार जो है लोगों का जो कोर वोट है जो राजद का, उस कोर वोट में सिंध नहीं मैंने देखा, अच्छा मैंने सिंध नहीं देखा, और उसके अलावा जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, अच्छा उस इलाके से बाहर पलायन बहुत लोग करते हैं और जो लौट करके आए हैं उनको जो परेशानी हुई है जिसको वो बताते हैं बयां करते हैं, ये भी एक मुद्दा वहां बहुत जबरदस्त है। कन्हैया बिलारी जी जो बातें बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बात जब कानों में पड़ रही होगी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में तो वो जरूर विचलित हो रहे होंगे कि दरअसल उस इलाके में क्या हुआ है, क्योंकि जमीन की रिपोर्ट बता रहे हैं बिलारी साहब। दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरूर देखिए ध्यान से, क्योंकि एबीपी न्यूज लगातार ये अपील आपसे करता रहा है कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए, कोरोना का काल है, कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इन दो तस्वीरों को देख के आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, 80 साल की बुजुर्ग महिला और करीब 70 साल के दिव्यांग जो कि व्हील चेयर पर आए हैं वोट डालने के लिए, और ये वो लोग हैं, इनको देखकर ये प्रेरणादायी तस्वीरें हैं जो जिसकी वजह से भारत को एक लोकतांत्रिक तौर पर मजबूत देश कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, और ये जो लोग हैं साधारण परिवार के लोग हैं, अपने तमाम गमों को तमाम परेशानियों को भूलकर आते हैं वोट डालने के लिए, इसी उम्मीद में कि इस बार अगले 5 सालों में उनकी हालात बदलेंगे, उनकी परिस्थितियां बदलेंगी, उनके और उनके परिवार का भला होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। शशि जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सुबह सुबह एबीपी न्यूज की इस बड़ी कवरेज में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरा सवाल आपसे यही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आज तो आखिरी फेज की वोटिंग है, ये तो शाम 5 बजे से आपके साथ इसका आकलन करेंगे 8 बजे रात तक कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन सुमित, ये जो दो वरिष्ठ पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, मैं उन दोनों की बातों से इतर दो तीन पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहली बात ये कि जनता को इतना नादान नहीं मान लेना चाहिए कि कोई वोट कटवा आ जाएगा और वो कोई बहुत बड़ा काम कर देगा। जब एक लहर, जब दो गठबंधनों में सीधी लड़ाई होती है तो वोटों का डिवीजन कम से कम होता है लेकिन कम से कम होता है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ उत्साह की लहर है, एक तरफ दृढ़ प्रतिज्ञता है कि ये मौका है जब हम अपने को प्रूव कर दें। अगर उसकी प्रति लहर नहीं पैदा हुई तो जाहिर है कि कुछ नई तरह का इस बार रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात, कास्ट लाइंस होती हैं, लेकिन कास्ट लाइंस सुमित ब्लर भी हो जाती है बीच बीच में। क्या प्रवासियों का मुद्दा कोई मुद्दा है? यदि मुद्दा है तो 30-35 लाख लोग किधर वोट करेंगे? क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है? यदि मुद्दा है तो वो सब पर नाजिल होता है, सबके ऊपर आता है। क्या कोई नौजवानों का वोट बैंक है इस तरीके का? इसी तरह 15 साल से चूंकि एक ही गठबंधन सत्ता में है, नगर पालिका से लेकर नगर निकायों से लेकर सचिवालय तक, तब कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पिछली हुकूमत न देखी हो, तो उसको जब किस्से बताए जाते हैं तो वो कितना यकीन करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना अपने घर वालों की बात पे यकीन करते हैं और कितना अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, ये जरूर एक मौजूद बात होगी। तो ये तीन चीजें सुमित तय करने वाली हैं कि सीमांचल किधर जाएगा। लेकिन मैं जाति और धर्म को नकार नहीं रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि अगर जरा भी ब्लर होता है तो उसके बाद परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत कड़वी सच्चाई है, आजादी के करीब 75 साल होने आ रहे हैं लेकिन आज भी देश में जाति और धर्म के नाम पर पहले तो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है
और उसके बाद जनता उस आधार पर वोट भी करती है। ये बहुत ही कड़वी और घिनौनी सच्चाई इस लोकतंत्र में अभी तक बनी हुई है, जिसे निकालने की हम सबको एफर्ट करने की जरूरत है। मैं पंकज झा के पास चलता हूं। पंकज झा दरभंगा में मौजूद है जहां वोटिंग चल रही है, वरिष्ठ सहयोगी है और लगातार जब से चुनाव चल रहा है बीते करीब 2 महीने से बिहार की खाक छान रहे हैं, जगह जगह गए हैं। पंकज, दरभंगा का हाल तो बताइए ही बताइए, लेकिन जो बात शशि जी ने की उन 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप अंडरलाइन करें कि जो कोरोना काल में प्रवासी आए, जो बाहर से निकलकर लोग बंबई से दिल्ली से वापस पटना पहुंचे, बिहार के उस इलाके में पहुंचे जहां आप मौजूद हैं दरभंगा में, उनका मन क्या कह रहा है? क्या वो यहां आने के बाद अपनी, क्योंकि परिस्थितियां तो नहीं बदली हैं, नौकरी की दिक्कत तो है, खाने की दिक्कत तो है, पर सरकार का यह दावा है कि उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से मदद की है, क्या वो संतुष्ट दिखाई दिए? पंकज, सुमित देखिए, तीसरे दौर का ये आखिरी दौर का ये मतदान है। हम जिन 3 चीजों पर अभी शशि जी जिक्र कर रहे थे, उसमें से जो बात हो रही है कि माइग्रेंट वर्कर जब यहाँ आए, जिसके बारे में नीतीश कुमार अपने हर सार्वजनिक मंच से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों का ख्याल रखा, और अगर आप देखिए इस बात पर बहुत विवाद हुआ था कि उन्होंने सेंट्रल का जो गाइडलाइन था उसको नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी को लाने की जरूरत नहीं समझी, सबको क्वारंटीन कराया गया था, उसमें काफी नाराजगी की बात भी है। नीतीश कहते रहे कि 1,000 रुपया दिया हमने सबको क्वारंटीन करके रखा, और यहां भी उस बात को लेकर नाराजगी, हम जिस बूथ पर है वहां पर अगर देखें तो एक ऐसी कॉलोनी है जहां उस तरह के लोग नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सुमित। यहां जो मुद्दे हैं वो आमतौर पर आप भले ही जो भी हो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वोट पड़ते हैं ना उसका हिसाब किताब जाति से तय होता है, और जो दूसरे मुद्दे हैं वो एक विकास की बात हो रही है और दूसरी बेरोजगारी और सरकारी नौकरी, जिसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव करते रहे। पंकज, वहां मौजूद जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं आप, उनके मन में क्या है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, देखिए कतार में खड़े हैं। मुझे बताइए इस बार जो है नाम पे, काम पर या वादे, इन तीनों में से किस पे आप वोट कर रहे हैं? सिर्फ काम पे। काम पे, यस। आप बताइए किस पे आप वोट डाल रहे हैं, नाम पे, काम पे या वादे पे? ऑफ कोर्स काम ही पे डालेंगे। काम पे, हाँ। आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ, काम या वादे पे नहीं? कुछ नहीं। तो सुमित देखिए, 3 लोगों से हमने बात की जो यहाँ कतार में खड़े हैं, कोविड का देखिए सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है बार बार, जिसके हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, तो नाम पर, काम पर और वादे पर। और आपको बताऊं, इस बार बिहार का चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प रहा सुमित कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के 1-2 नहीं, 5-5 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक अगर आप देख रहे होंगे कि महंगी सी लग्जरी गाड़ी ऑडी, तो पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनका बार बार जिक्र आप इस बार के चुनाव में सुनते होंगे, देखा होगा आपने, हमेशा ब्लैक कलर में ही, तो वो पुष्पम यहाँ दरभंगा की हैं, तो वो यहाँ वोट डालने आई हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई, एक प्लूरल्स नाम की पार्टी बनाई, अकेले लड़ रही हैं, कह रही मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, तो ये एक अलग तरीके के चुनाव में पुष्पम प्रिया की मौजूदगी से भी एक नया कलर आप कह सकते हैं कि सुमित देखने को मिल रहा है। पंकज, पुष्पम प्रिया इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रही हैं, आपके साथ कैमरे के सामने हैं, और पुष्पम आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पुष्पम प्रिया वादे कर रही हैं बड़े बड़े राजनीति बदलने के, क्या हवा है उनकी पंकज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब सच्चाई तो जमीन पर अगर आप देखेंगे तो बात बिल्कुल अलग है। वो चूंकि वोट डालने जा रही हैं, एक बार वोट डालकर लौटती हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए बिहार में जो जमीनी सच्चाई है ना वो बिल्कुल अलग है। आपको सबसे पहले एक सामाजिक आधार बनाना पड़ता है, वो सामाजिक आधार उनकी पार्टी के पास नहीं है, उनके जो अपने एजेंडे हैं, मैनिफेस्टो भी उन्होंने बनाया है, वो बिना सामाजिक आधार के बिहार में किसी राजनीतिक पार्टी को कोई कामयाबी मिल जाए ऐसा नामुमकिन है। ये पुष्पम प्रिया की राजनीति में एंट्री भी बड़ी धमाकेदार रही थी अखबार के विज्ञापन के जरिए। हमको याद है कि दिल्ली के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, फुल पेज का विज्ञापन छपा, और अचानक लगा कि ये क्या हो रहा है, बिहार की राजनीति को बदलने वाला ये पढ़ा लिखा मॉडर्न स्ट्रेटेजिस्ट टाइप का व्यक्ति या महिला कौन आ गई है जो बिहार की राजनीति को बदलने की चुनौती दे रही है। मैं लौटता हूं पुष्पम प्रिया की, तस्वीरें आपके सामने चलती रहेंगी, दोनों मेहमान भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जैनेन्द्र जुड़ गए हैं जो कि मुजफ्फरपुर में हैं, और उन्होंने वहां पर एक चौपाल पे चर्चा की है चाय पीते पीते, जानने की कोशिश की है बिहार के मतदाताओं का मन जो आज तीसरे चरण का मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जैनेन्द्र की रिपोर्ट देखते हैं। आज मतदान हो रहा है, जिले की 6 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है,
पांच सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। मैं मुजफ्फरपुर शहरी सीट पर मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ लोग हैं सुबह चाय के साथ, बात करते हैं इनसे कि किस मुद्दे पर शहर आज वोट करने वाला है और कितनी सरगर्मी है मतदान करने को लेकर के। सर कब जाएंगे मतदान करने? जी अभी हम लोग आए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे मतदान करने के लिए। मुद्दे पर मतदान हो रहा है? विकास पर, विकास पर हो रहा है। ठीक है, आप बताइए बताइए सर किस मुद्दे पर आज शहर के लोग जो है वो बढ़ चढ़कर विकास पर हो रहा है, साफ सफाई टाउन में रहे, यही मुद्दा है। शहर के जो मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट है, अहम है आप लोगों के लिए, या पटना में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये? नहीं नहीं, शहर का हम लोगों का मेन मुद्दा शहर भी है और मुख्यमंत्री के लिए भी है। जो दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? दोनों में ज्यादा तो मुजफ्फरपुर है, ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए मुजफ्फरपुर है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए वोटिंग हो गई? नहीं सर। कब जाइएगा वोट करने? अब जाएंगे सर्वे में। जाइएगा, किस मुद्दे पर वोट कीजिए? यही सफाई सुथरा हो जाए, विकास हो बढ़िया से, यही तो चाहिए। ठीक है, आप बताइए किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? शिक्षा, बेरोजगारी, विकास। आप मतदान करके आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार सोनी। प्रेम जी जरा दिखा दीजिए वो जो निशान है, इस तरफ दिखाइए कैमरे पे, ये इस उंगली पे है। ठीक है, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया? हम विकास के मुद्दे पर मतदान किए हैं। अच्छा प्रतिनिधि हमारे मुजफ्फरपुर में। तो आप मतदान कर लिए, आपके सारे साथी चाय पी रहे, क्या अपील करेंगे लोगों को? हम तो कहें कि मतदान करें, चाय बाद में पिए, पहले मतदान करें, आप परिवार को ले जा करके सबको एक एक वोट विकास के नाम पर। ठीक है, तो देखिए ये मुजफ्फरपुर से छोटी सी चुनावी चर्चा मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोग जो चाय वगैरह पी रहे हैं कह रहे हैं जाके अब मतदान करेंगे। जिन लोगों ने मतदान कर दिया है वो अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आज मतदान का दिन है। तो सुना आपने, जनेंद्र के साथ कुछ लोग थे वहां मुजफ्फरपुर में, शहरी सीट है ये इस थर्ड फेज की। मणिकांत जी, कैसे आपको अगर मैं डिकोड करने को बोलूं जो आपने जनता की आवाज सुनी, चाहे दरभंगा में सुनी चाहे मुजफ्फरपुर में सुनी, पंकज जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो काम पर वोट देंगे, इसका मतलब क्या है? तेजस्वी का काम देखा गया क्या कुछ अभी? देखिए, जब भी मीडिया की तरफ से ये पूछा जाता है, आप जहां भी देखेंगे वो सवाल किया जाता है कि नाम पर या काम पर, तो एक ये काम पर लोग शुरू करते हैं और आसपास जितने होते हैं वो यही कहेंगे कि काम पर ही वोट डालेंगे। लेकिन काम किसका, कौन सा काम, काम के पीछे नाम कौन है, ये सब वो उनसे पूछेगा तो वो नहीं बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कोई नहीं ये बताता मतदाता कि वो विकास को छोड़ के और किसी चीज पर मतदान कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं जाति के नाम पर वोट करने, और इसलिए वो बोलते नहीं है, इसलिए आकलन मुश्किल हो जाता है। मतलब वो कहते कुछ है, करते बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैं जो बात मणिकांत जी कह रहे हैं, जी जी, दो तीन मेरा अपना मानना है, नीतीश ये कहना बेईमानी होगा कि नीतीश ने काम नहीं किया है। मेरा तो मानना, चूंकि मैं 35 साल से पत्रकारिता में हूँ और मैं देख रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार, अगर लालू प्रसाद यादव की सरकार 2005 में नहीं गई होती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने होते, तो अब तक बिहार 12 करोड़ का है तो 4 करोड़ पर हो गया होता, सारे लोग भाग गए होते, गवर्नेंस नाम का चीज ही नहीं था। काम तो उस आदमी ने किया ही है, अब 5 साल तक खूब जनता के लिए काम पर वोट देगी, इसका मतलब नीतीश कुमार के लिए बोल रही है, और किसके लिए बोल रही है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने काम किया है वो, लेकिन 5 साल और पहले 5 साल, हाँ 5 साल पहला जो था 5 से 10, उसके बाद वो पॉलिटिशियन हो गए, अब वो प्रधानमंत्री बनना है, इसके साथ रहना है, इसको भागना है, मोदी को रोकना है, थाली छीनना है, पैसा लौटाना है बाढ़ वाला, मैंने एकदम गड़बड़ा गया मामला, छूट गया मामला, डेवलपमेंट हुआ नहीं। और अब जो वो तो ऐसे में मेरा आप ही से सवाल है बेलाजी साहब, आरजेडी का शासनकाल खराब था, खुद ही बोल रहे हैं ना, 5 के पहले वाला लालू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में लालू का भी 5 साल बढ़िया था, 90 से 95 वाला बढ़िया था। अच्छा, उसके बाद वो भी गड़बड़ा गए, वो भी प्राइम मिनिस्टर में घुसे। अब जो तेजस्वी वोट मांग रहे हैं वो इतिहास को जनता कैसे भूलेगी कि लालू ने क्या किया 5 के पहले या 95 से 15 के बीच में, जो बार बार बीजेपी याद दिला रही है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज की युवराज, इसको इसको कैसे जनता इससे दूर हो पाएगी? अरे जो नए वोटर हैं वो तो जानते भी नहीं है, वो तो देखे नहीं है,
18 से लेके 25, 26 तक जो मान लें कि उस समय 4-5 वर्ष बीते भी होंगे तो उनको तो याद है नहीं, तो उनकी तादाद कितनी है देख लीजिए। बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, और ये जो बोल रहे हैं अभी आपने देख सुना होगा, ये क्या बोलना है? वो लड़का कहाँ जाता है दिल्ली में हम जानते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। लालू यादव बच्चा पैदा करते हैं, डायरेक्टली आपने नहीं कहा लेकिन कहने का मतलब यही था बेटा के लिए, ऐसा तो नहीं बोलते थे नीतीश कुमार जी। क्या चुनाव के पहले, शशि शेखर जी मेरा सवाल आपसे है, नीतीश कुमार जी क्या इस चुनाव के पहले थोड़े से आपको लगता है परेशान दिखाई दिए, विचलित दिखाई दिए, जिस तरह के उन्होंने अटैक्स किए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और ये तीसरे चरण के मतदान के आखिरी वक्त में उनका ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये क्या दिखाता है शशि जी? दो बातें आपने पूछी सुमित, पहली बात का जवाब ये सही है कि नीतीश कुमार एक बहुत संयमित, बहुत ही शिष्ट और बहुत ही आवरण ओढ़े हुए एक नेता थे, वो आवरण कभी टूटता नहीं था, पर्सनल बातचीत पे भी और सार्वजनिक बातचीत पे भी वो शब्दों का चयन बहुत संतुलित और बहुत ही सावधानी के साथ करते थे। लेकिन 3 से 4 बार ऐसा जरूर लगा कि वो जो उनके मुंह से निकल रहा है ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिनका बहुत से लोग सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलन भाषा में दिखाई पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब उसकी उन्होंने सफाई दे दी उसके बाद कि मेरा ये आशय नहीं था, तो अब इस पर मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बात सच है कि आखिरी चुनाव भी था और चुनाव का आखिरी दिन भी था, तो दोनों ही बातें सही है। एक बात और भी है सुमित, कि इस समय जो उनकी उम्र है वो कितने चुनाव और लड़ेंगे, आप अगर देखिए तो इसी चुनाव में उनको इस बार युवा नेतृत्व तो चैलेंज कर रहा है। आज अगर चिराग किसी को वोट कटवा नजर आए तो आए, लेकिन अगले चुनाव में वो बहुत सबलता मेदार होंगे। तेजस्वी यादव नेता बन गए, कल तक वो इस तरह के नहीं थे, अपने पिता की छाया में थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव बिहार का एक चेहरा है, वो जीते हारे वो एक अलग बात है। तो एक नई पीढ़ी आ रही है और एक स्वाभाविक स्थानांतरण है, तो अगर ऐसे में वो कहे या न कहे पर कुछ चीज दीवार पर लिखी होती है सुमित, और वो उसे पढ़ा जा सकता है। तो ये बात नहीं किया तेजस्वी यादव को, ये लोग चारों तरफ से घेर करके चाहे कि कुछ ऐसा बुलवा लें, पर एक चीज बताइए शशि जी, मैं आता हूँ एक सेकंड के लिए, तेजस्वी यादव ने पूरे करीब 1.5 महीने 2 महीने के कैंपेन के दौरान ऐसा क्यों इम्प्रेशन दिया कि उनको बीजेपी से दिक्कत नहीं है? जो बात आज पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, क्या पप्पू यादव ये रीड कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में तेजस्वी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं जैसे कांग्रेस शिवसेना के साथ चली गई? मुझे नहीं लगता है कि जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो ऐसा सोचा। मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ, पुष्पम प्रिया कुछ बोल रही है, वोट डाल के आई, पहले वो सुन लेते हैं फिर सवाल का जवाब लेंगे। पुष्पम प्रिया पूछिए, क्या सोचकर आपने वोट डाला? अभी पहले भी कहा था आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे, यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ मैंने सुन लिया, चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है? और जहाँ तक एज अ मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो यही ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था, 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देख रही हैं चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपके अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट सुना आपने पुष्पम प्रिया को, नीतीश कुमार को बोल रही है कि थक गए हैं, रिटायर हो चुके हैं, चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि हम अब लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल बुजुर्ग वर्सेस युवा का भी है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी चिराग और पुष्पम प्रिया जैसे नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति है जो अनुभवी है, तो ये अनुभव वर्सेस जोश, युवा वर्सेस बुजुर्ग की लड़ाई भी इस चुनाव में है। और इसका नतीजा अगर आपको जानना है तो शाम को 5 बजे जरूर जुड़े इस बड़ी कवरेज में, यहां पटना विधानसभा परिसर से एग्जिट पोल में
सी वोटर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आपको दिखाना शुरू करेंगे और ठीक 6:30 बजे जैसे ही चुनाव आयोग का एम्बार्गो खत्म होगा हम आपके सामने आंकड़ा रखेंगे कि कौन बिहार का चुनाव जीत रहा है। उतना वक्त आपके पास और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन वो सवाल अभी भी मेरा जिंदा है जो आके मैं बिलारी साहब से पूछूंगा कि क्या पप्पू यादव का ये कहना कि तेजस्वी क्यों मोदी पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्या किसी नए पोस्ट पोल अलायंस की ओर इशारा किया जा रहा है? ब्रेक के उस पर बड़ी कवरेज लगातार आप देख पा रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार से पटना में है। इस वक्त हम विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। आपको बता दें आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग बाग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप अपने इलाके में अगर वोट हो रहा है तो जरूर जाकर मतदान में हिस्सा लें, अपने हाथ में जो स्याही लगी उंगली का निशान है वो फोटो खींच के, वो सेल्फी खींच के हम तक पहुंचाएं। और आपको अब तस्वीरें दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इस तीसरे चरण के मतदान में जहां पर 78 विधानसभा सीटें हैं खासकर पूर्णिया के इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग बाग निकलकर सुबह सुबह बाहर आए अपना मतदान करने के लिए। देखते हैं मेरी सहयोगी निधिश्री की ये रिपोर्ट। तीसरे और आखिरी चरण की सीटों पर सुबह से लगातार 7 बजे से मतदान जारी है। एबीपी न्यूज पर आप बिहार के उन अलग अलग विधानसभा सीटों से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मैं पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसे ही मतदान केंद्र पर पहुंची हूं और यहां पर देखिए कितनी खूबसूरत और मैं कहूंगी ये मजबूत तस्वीर है जहां पर तमाम जो मतदाता हैं ये ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं और इन सबको देखिए सबने मुंह पर मास्क पहना है और सबके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड साथ में लेकर के ये सभी अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर कुछ यूं पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की भी लंबी कतार देख रहे हैं और चूंकि आज से सर्द बढ़ गई है इसलिए ज्यादातर महिलाओं ने शॉल लपेटा है, लेकिन कुछ भी हो जाए आज मतदान करना है। और ये देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आ गई हूं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगकर अलग अलग 5 यहां पर पोलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन सब पर आप कर्मचारियों को देख रहे हैं, उसके साथ साथ मतदाताओं को देख रहे हैं। सवाल वही है हमारे पास कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर तो देखा आपने कितना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए। और अगर आपके इलाके में वोट हो रहा है तो जरूर जाकर वोट डालें। सीधे ले चलूंगा दरभंगा अपने सहयोगी पंकज झा के पास, उनके साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं पुष्पम प्रिया। पंकज चुनाव में क्या लगता है किस जगह पे है पुष्पम? एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। मैं अपनी जगह पे हूँ, वो जो बदलाव की जो एक होप आशा जो लोगों में जगी है मैं उस जगह पे हूँ, बिहार को आगे ले जाने की जगह पे हूँ। और जैसा मैं फिर से कहूंगी आपको कि बिहार का भविष्य अब मैं ही हूँ, बिहार का भविष्य अब प्लूरल्स है। ये बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं, नीतीश भी कह रहे हैं, आप कह रही हैं। तेजस्वी जी और नीतीश जी बहुत लंबे वक्त से बहुत सारी चीजें कह रहे हैं लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है, एक्शन में भी कुछ झलकना चाहिए। उनके एक्शन में तो कभी भी कुछ भी झलका नहीं है और जितनी भी बातें वो लोग करते हैं वो जुमला हो जाती है। मैं आपको एक बात कहूंगी, मैं जहां भी जाती हूँ पूरे बिहार में हर जगह एक चीज मुझे सभी लोग कहते हैं, सभी लोग ऐसे ही आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं फिर कोई नहीं आता, ये मुझे हर जगह सुनने को मिला है। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने क्या किया है पिछले 30 वर्षों में, उससे नहीं फर्क पड़ता कि ये लोग एक्शंस एक्शंस इम्पोर्टेंट। एक सवाल नीतीश के रिटायरमेंट से कह रहा हूं कि वो पहले उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरी चुनाव है, उनकी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्या हो सकता? नीतीश जी को ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए कायदे से, 15 साल का वक्त था, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी। वो बहुत बड़ा उम्मीद बहुत बड़ा विश्वास बन के आए थे जिसमें वो बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे, तो ये चुनाव भी उन्हें नहीं, वो एक मॉरल ड्यूटी भी होनी चाहिए। आपको दिखता है विकास, बट विकास देखने के लिए तो जमीन पे आना पड़ेगा और ये दोनों में से तो कोई जमीन पे आते नहीं है, ना ही तेजस्वी जी जमीन पे आते हैं ना ही नीतीश जी जमीन पे आते हैं, ये तो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, भाषण देते हैं और निकल लेते हैं। आपको लगता है कि अकेले नहीं किसी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था? हर तरफ गठबंधन है, 4-4 मोर्चे। इस गठबंधन वाली चीज को खत्म करने की जरूरत है। आप कितना आप एक राजनीति कर रहे हैं, आप प्रिंसिपली कितना साउंड है, आपके आदर्श क्या है और सिद्धांत क्या है, वो तो इसी बात से प्रूफ हो जाता है कि आप तो किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। प्लूरल्स किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, एक चुनाव नहीं है हमारे लिए,
हम चीजों को व्यवस्था को बदलने आए हैं, ये क्रांति कर रहे हैं, कभी गठबंधन नहीं होगा। हम रहेंगे बिहार में, बिल्कुल मैं रहूंगी और मैं जीतूंगी। ये मीडिया वाले आप लोग बहुत निराश हैं, मुझे लेके बहुत ही वो हैं कि मतलब निराशावादी हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा होता तो हम आते ही नहीं आपके पास। निराशा नहीं, बिल्कुल ना कर रहे हैं, अच्छे मुद्दे आ रहे हैं बिहार में विकास की, तो बहुत सुखद संकेत है। बट ये प्रश्न मुझसे आप ही लोग पूछते हैं ज्यादा कि नहीं रहे मतलब हार जाएंगी, तो नहीं हारेंगे, जीतेंगे। जैसी परिस्थिति है आप लोगों से बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। आप लोग परिस्थिति देख रहे हैं, सबसे ज्यादा देख रहे हैं, आप हर जगह घूमे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी जरूरत है बदलाव की, तो आप जानते हैं। तो जैसा कह रही हैं पुष्पम कि भले इस चुनाव के नतीजे जो भी हो, इस बार मुद्दे बिहार के चुनाव में बदले हैं और नतीजे जो भी रहे वो यहाँ जरूर बनी रहेंगी बिहार की जनता के बीच। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, दरभंगा। जब पुष्पम प्रिया आई थी नई नई और चुनाव लड़ने का मंशा जताई थी, तब से पंकज लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं। पंकज का ये सवाल उनसे पूछना कि चुनाव नहीं जीती तो क्या करेंगी, ये सवाल ही अपने आप में कई चीजों के जवाब दे देता है। आगे बढ़ते, मेरे साथ दो और सहयोगी जुड़ गए। प्रशांत मेरे सहयोगी मोतिहारी में है और जैनेन्द्र मेरे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरपुर में है। पहले जैनेन्द्र के पास चलते हैं, वहां पर एक पूरा परिवार मौजूद है जो सामूहिक तौर पर एक साथ जाकर वोट डालकर आया, और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैनेन्द्र जी, जी जी सुमित जी, पूरा परिवार तो है ही, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि 80 साल के दादाजी हैं जो कि अपने बेटे और पोते के कंधे पर सहारा लेकर के मतदान केंद्र तक पहुंचे। एक 20 साल का नौजवान है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार जिसने मतदान किया है। तो ये दादा और पोते की जोड़ी है जो पहुंची है मतदान करने, पूरा परिवार, तीन पीढ़ियां एक साथ मतदान करने पहुंची हैं, और ये सी उत्साह की जरूरत है। इन लोगों से बात करते हैं, आपने किस मुद्दे पर मतदान किया? युवा के रोजगार के मुद्दे पर मैंने बात किया, और पहली दफा ये जी फर्स्ट दफा। दादाजी ने कितनी कैवी दफा वोट, इसकी अंदाजा नहीं है, इसका अंदाजा आपको नहीं है? ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग मुद्दे पर मतदान किया जी हाँ। कैवा वोट है बाबा का? इनका तो कही तो कहना मुश्किल है, मुश्किल। तो हर बार क्या इस कंधे पर ही लाने? नहीं नहीं नहीं, ये इस बार आए हैं, हमेशा तो अपने चल के आते हैं। अच्छा, इससे पहले तक स्वस्थ थे, खुद आ जाते थे, इस बार लेकिन अस्वस्थ है, लेकिन बावजूद आप लोग लेकर आए? जी जी। इन्होंने आपसे कहा या खुद आप लोग? तंग किए हुए थे सुबह से, तो जरा निशान तो दिखा दीजिए बाबा का जो मतदान किया इन्होंने। देखिए 80 साल के बुजुर्ग हैं और कांप रहे हैं पैर इनके, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांपते पैर से भी बेटे और पोते के कंधे का सहारा लेकर के मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। बहू हैं इनकी, आपका क्या मुद्दा है मतदान का? जी, जो अच्छा लगा उन पर, जो अच्छा लगेगा, लेकिन खुद अपने मन से देंगे, अपना मन से, कोई दबाव नहीं। आप भी पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। और आपका क्या मुद्दा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी। तो देखिए, ये पूरा परिवार है जो नवयुवती है वो कह रही है महिला की सुरक्षा के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, जो नौजवान है वो कह रहा है रोजगार के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, एक बुजुर्ग है जो कभी भी मिस नहीं करते, और कुछ इस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर शहरी सीट की ये तस्वीरें हैं, एक पूरा परिवार, तीन पीढ़ियां एक साथ, 80 साल के बुजुर्ग और 20 साल का नौजवान एक साथ मतदान करता हुआ। और देखिए एक और तस्वीर सुमित जी मैं दिखाना चाहूंगा, महिलाओं की एक कतार है मुजफ्फरपुर की जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ, महिलाओं की कतारबद्ध है ये महिलाएं मतदान करने के लिए। इसमें भी हर उम्र के लोग हमें नजर आ रहे हैं और सुबह सुबह काफी उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें मुझे पहले फेज और सेकंड फेज में नजर नहीं आई थी, जो इस थर्ड और आखिरी फेज में नजर आ रही हैं। जी सुमित जी, और ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ कह रही हैं। जो लोग अभी भी घर में हैं, मेरा उनसे अपील है कि पहले जाके मतदान करें और फिर जलपान करें। वोट डालना ज्यादा जरूरी है, अपनी सरकार चुनना ज्यादा जरूरी है। चलते हैं प्रशांत के पास, मोतिहारी से मौजूद है। प्रशांत, काफी देर से आपसे पास नहीं आ पाया, पहले तो इसके लिए माफी, और दूसरी बात ये कि वहां पर भी क्या ऐसा ही उत्साह है जैसे पंकज क्या दिखा, जैसे जैनेन्द्र क्या दिखा? जी देखिए सुमित, मैं सुबह मोतिहारी शहर में था, वहां की कुछ बूथों पर गया था, वहां पर चूंकि शुरुआत हो रही थी मतदान की तो भीड़ थोड़ी कम थी। मैं जैसे जैसे मोतिहारी ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हूं, मैं इस वक्त एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपडी जो मोतिहारी देहात अंचल का हिस्सा है उस विद्यालय पर मौजूद हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं ग्रामीण इलाकों में थोड़ी भीड़ मुझे दिखती नजर आ रही है। मतदान शुरू हुए अब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मैं यहां दिखाऊंगा आपको जो लाइनें लगी हैं, उससे अंदाजा आपको जरूर होगा कि भीड़ थोड़ी बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन फिलहाल सुबह का वक्त है, यहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा है सुमित, लिहाजा यहाँ भीड़ अभी आ रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा,
सुबह से इतनी ही भीड़ है जी। किस मुद्दे पर मतदान करेंगे आप आज? क्या मुद्दा है आपके लिए, समस्या क्या है? क्या समस्या हमारी? नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपना था और बूथ पर जो खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं? यहाँ तो आधा घंटे से खड़े। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा है हम वोट देने आए हैं। नहीं, क्या सोच के आए? कुछ सोचा होगा ना, कुछ समस्या आए, कुछ चाहते हैं आप सरकार से अगली सरकार? क्या चाहते हैं? मेरे पास रोड नहीं बना हुआ है। अच्छा, और भी कुछ यहाँ पर मतदाता हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे, महिला मतदाता भी हैं थोड़ी संख्या में, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप अलग खड़े हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। आप क्या सोचकर मतदान? सबका साथ सबका विकास, 15 साल जो नीतीश जी ने काम किया है उसका फल जो है सो उनको मिलने जा रहा है। तो सुमित, आपने देखा कि लोग अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महिला मतदाता भी आई हैं। अब थोड़ी सी मतदान में तेजी आई है, इसलिए लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे सिटिंग चलेगा, आप तस्वीरों को कैप्चर करते रहिए अपने कैमरे के जरिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप इस वक्त पटना से देख पा रहे हैं, बिहार विधानसभा परिषद से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तीसरे चरण के मतदान के दौरान, सीतामढ़ी से यह बड़ी खबर आ रही है। सीतामढ़ी के रीगा पोलिंग बूथ पर ईवीएम के खराब होने की खबर है, जिस वजह से वहां मतदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बूथ नंबर 271 की ईवीएम जो है वो खराब हुई है, वोटरों की लंबी कतार बाहर लगी हुई है, ईवीएम अभी काम नहीं कर रही है। सीतामढ़ी के रीगा की ये खबर है, बूथ नंबर 271 की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ईवीएम जो मशीन है वोट डालने की वो काम नहीं कर रही है, उसमें गड़बड़ी की शिकायत आई है। सुबह सुबह की खबर है, चुनाव अधिकारियों से संपर्क किया गया है, उसको मशीन को रिप्लेस करने या ठीक करने की बात चल रही है। ये आप देख पा रहे हैं सीतामढ़ी के रीगा के पोलिंग बूथ की तस्वीरें। अभी वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको ब्रेक में जाने के पहले फिर याद दिला दूं, शाम को 5 बजे से सबसे सटीक कवरेज एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल, जिसमें आप जान पाएंगे कि नीतीश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नीतीश अगर जा रहे हैं तो कौन आ रहा है, किसकी बनने वाली नई सरकार, एग्जिट पोल जरूर देखें हमारे साथ शाम 5 बजे से, यहीं से सीधा लाइव।